यस तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है हमारे ऑनलाइन सेमिनार के लिए जो 31 अगस्त को होने वाला है, जिनमें मैं दो बहुत ही यूनिक लुक दिखाने वाली हूँ मेकअप के विद स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, वो दोनों लुक रहेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो नीचे दिए गए नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड ऑलरेडी हमने पोस्ट भी रखी है, एंड आपको और कोई भी ज्यादा डिटेल चाहिए तो अभी आप हमें पूछ सकते हो। You looking gorgeous, ma'am. Thank you so much. Ma'am, आप क्यूट लग रहे हो, थैंक यू। यस सो बहुत जल्द हम आज का लुक स्टार्ट करेंगे। तो यस बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी मॉडल जिनको अभी मैं इनवाइट करूंगी जस्ट इन 2 मिनट्स। फीस कितनी है मैम ऑनलाइन क्लास की? फीस अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो उसकी जस्ट 399 है, एंड ऑफलाइन करना चाहते हो जो यहाँ पे पार्टी हमारी माया एकेडमी है वहां पे होने वाला है जिसकी 699 है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप जो ऑप्शन आपको सही लगे उस पर आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। एंड यस यहाँ पे अभी मैंने फिल्टर लगाया है, तो बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप मैं फिल्टर को हटा दूंगी। सो थैंक यू सो मच। तो आज बहुत ही ब्यूटीफुल आई मेकअप होने वाला है। एंड यस आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप से। कैमरा पे देख लीजिए, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम जल्दी से मैं मेरी मॉडल को वेलकम करूंगी यहाँ पे। सो प्लीज वेलकम अवर ब्यूटीफुल मॉडल। तो यस तब तक आप मॉडल का बिफोर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके सो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो सबका ध्यान अभी यहाँ पे होना चाहिए, सबका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ज्वेलरी प्राइस सूट 6, तो आप नीचे जो नंबर दिया है वहां पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। मैंने और
यूज कर सकते हो न्यूट्रोजेना का, रिचा दवे का, सो कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो। Thank you so much for the hearts. So now I am using this Anastasia dark brown shade. And I am using the brush from Beautylicious 313. आप कोई भी ब्रांड के ब्रशेस यूज कर सकते हो, जस्ट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो ब्रश यूज करते हो उसका ऐसा एंगुलर ब्रश होना चाहिए। यहाँ पे फिर जूम कर दो ना, फेस और जूम कर। आपके में करो, इसमें तो ज़ूम है, है? फेस ही दिखता ना? हाँ? हो गया? यस। नेचुरल आईब्रोज हमें क्रिएट करना है हमेशा। फ्रंट में हमेशा आपको नेचुरल ही रखना है।
तो मेरे ब्रश में जितनी भी प्रोडक्ट्स बची है उसी प्रोडक्ट से मैं जस्ट उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक दे रही हूँ। सो जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको ऐसे स्ट्रोक्स लगाने हैं। इतना नेचुरल आपको आईब्रोज को रखना है। लेकिन इनिशियली आपको बहुत ही नेचुरल ही रखना है आईब्रोज को। शॉपरेल का कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ नंबर 2 फॉर आई बेस। सो 31st के लिए जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो नीचे दिए गए नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों हमने सेमिनार रखे हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो जिनको जो कन्वीनियंट है वो ऑप्शन पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो सेव रहने वाला है, जो 31st को हम 2 लुक्स दिखाएंगे वो वीडियोस उनके लिए सेव रहेगा। जस्ट कंसीलर को हमें उसी प्लेस पर डैप करना है ऐसे। अगर आपके पास शॉपरेल का नहीं है तो आप टार्ट भी यूज कर सकते हो, नार्स का भी यूज कर सकते हो। कॉन्टेक्ट लेंस स्टेप प्लीज। कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में कुछ बता दीजिए। कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में आपको क्या जानना है बताइए। आप कोई भी लेंसेस यूज कर सकते हो, आप दाहक के यूज कर सकते हो, फिर और हमारे पास आई एफ एक्स का यूज कर सकते हो। सो आप कोई भी यूज कर सकते हो जो यूजर एंड थ्रो होता है। एंड अगर आप उसको रख सको तो आप यूज भी कर सकते हो उसको 2-3 बार।
सो फॉर आई मेकअप यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कार्निवल का बी परफेक्ट पैलेट। मेरे एग्जाम 31 को वो वीडियो सेव रहेगा, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप उसको देख सकोगे एंड वो 1 month तक सेव रहने वाला है, तो आप करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन। तो कार्निवल का मैं बी परफेक्ट पैलेट यूज कर रही हूँ, जिसमें से क्रीज के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला शेड, दिस लाइट ऑरेंज शेड। हेलो फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड जर्मनी, आर्याना ब्यूटी। सो क्रीज के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्यूटीलिशियस का 315 नंबर का। तो आपको कोई भी ऐसा फ्लफी ब्रश यूज करना है, आप कोई भी फ्लफी ब्रश यूज कर सकते हो ऐसा। क्रीज में हमेशा आपको लाइट शेड्स ही यूज करने हैं। एंड जब भी आप प्रोडक्ट ब्रश पे लेते हो तो ऑलवेज आपको ऐसे टैप करके लेना है। एंड आप देख सकते हो कि मैं ब्रश को कौन से एंगल से मैं कहां पे घुमा रही हूं एंड कहां से मैंने उसको पकड़ा है। सो ऑलवेज आपका आई मेकअप आप करते हो तो ऑलवेज ब्लेंडेड लुक दिखना चाहिए। नेक्स्ट शेड मैं यूज कर रही हूँ डार्क ग्रीन शेड फ्रॉम कार्निवल पैलेट, फ्रॉम सेम पैलेट। आउटर कॉर्नर पे मैं यूज कर रही हूँ डार्क ग्रीन शेड एंड मैं ब्रश यहाँ पे चेंज कर रही हूँ जो है मिशेली का 314 नंबर का ब्रश। आपने कंसीलर कौन सा लगाया? हमने अभी आई मेकअप से स्टार्ट किया है, सबसे पहले हमने आज आई मेकअप किया है, बेस अभी हमारा बाकी है। आउटर कॉर्नर को मैं क्रीज के साथ मर्ज कर रही हूं। अभी कॉन्टेक्ट लेंस का जब स्टेप आएगा या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक जानना है तो आप बता सकते हो, या फिर कॉन्टेक्ट लेंस का स्टेप जैसे आते आएगा तब एक्सप्लेन होगा।
तो हम कंट्रास्ट में थोड़ा सा आई मेकअप कर रहे हैं आज, तो आप देख सकते हो वो ज्वेलरी में जो ग्रीन कलर है उसको हमने आउटर कॉर्नर में लिया है। मैम आपका इंस्टा आईडी एक बार बता दीजिए। मेरा इंस्टा आईडी है pooja_thakkar_makeup_studio। तो आप देख सकते हो कि मैं कितनी बार ब्लेंड कर रही हूँ, तो इतनी अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। एंड जो लोग भी बाद में ज्वाइन हुए हैं, आज सबसे पहले हमने आई मेकअप से स्टार्ट किया है। सो फिर से मैं पहले वाला ही शेड ले रही हूँ जो हमने क्रीज में यूज किया था, सेम शेड में वापस यूज कर रही हूँ। सर आपको कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में क्या जानना है प्लीज डिटेल में बताइए, तो वही बताएंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस मतलब कि सब्जेक्ट में ऐसे नहीं रहता है, आपको जानना क्या है वो बताइए तो मैम आपको एक्सप्लेन कर देगी। देख सकते हो मैं रिपीटेड शेड्स यूज कर रही हूँ। सर व्हाट यू वांट टू नो अबाउट कॉन्टेक्ट लेंसेस प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल सो मैम कैन एक्सप्लेन दैट पार्ट। कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में जानना है तो आपके पास उसका क्वेश्चन तो होगा कि क्या जानना है आपको, क्योंकि उसमें जस्ट दो तरीके के लेंस होते हैं, एक होता है यूजेंथ्रो एंड दूसरा होता है परमानेंट कॉन्टैक्ट लेंस। उसमें से आपको क्या जानना है, आपके पास उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो आप। सो मैं दोबारा से वो शेड लेके, रिपीटेड शेड लेके मैं जस्ट कलर्स को एनहांस कर रही हूं। एंड प्लीज यहाँ पे अभी जो मैं सिखा रही हूं उस पे ध्यान दीजिए, आपको एक नया लुक जो आज सीखने मिलने वाला है, अच्छे से देखिए उसको एंड रिक्रिएट करने का ट्राई कीजिए आप। सो नेक्स्ट मैं सेम ब्रश से आई एम यूजिंग दिस डार्क ब्राउन शेड में यूज कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पे। तो आपको ऐसे ब्लेंड करना है कि आपके सारे शेड्स बहुत ही अच्छे से दिखने चाहिए। जब भी आप दूसरा शेड लेते हो तो आपने पहले जो शेड अप्लाई किया है वो शेड हमेशा नजर आना चाहिए। तो आप देख सकते हो ग्रीन भी दिख रहा है, ब्राउन भी दिख रहा है एंड क्रीज भी मेरी अच्छे से नजर आ रही है। सो हमेशा आपका ब्लेंडिंग ऐसा होना चाहिए।
सेमिनार की क्या फीस है मैम? तो हमारी ऑनलाइन की फीस है 399 एंड ऑफलाइन की फीस है 699। तो ऑलरेडी हमने नंबर नीचे पिन किया है, तो उस पे आप कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 31st को सेमिनार है हमारा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सेमिनार है। फॉरवर्ड के फाउंडेशन कैसे होते हैं मैम? यस, फॉरवर्ड के फाउंडेशन बहुत ही अच्छे होते हैं, इकोनॉमी रेंज में वो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप यूज कर सकते हो, इवन आप ब्राइड को भी यूज कर सकते हो। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस शॉपरेल कंसीलर नंबर 1 शेड, जिसे हम कट क्रीज करेंगे। कट क्रीज के लिए हमेशा आपको ऐसा फ्लैट ब्रश यूज करना है। तो यहाँ पे जो मैंने फ्लैट ब्रश लिया है वो है मिशेली का 301। तो आप कोई भी ऐसा फ्लैट ब्रश ले सकते हो क्रीज के लिए। जो ऑनलाइन सेमिनार हमारा रहेगा उसमें आपको विथ प्रोडक्ट नॉलेज एंड थियरी एंड स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन वो रहेगा, एंड बहुत ही यूनिक लुक हम दिखाने वाले हैं उसमें। तो अगर आपकी क्रीज सही से बनी है तो आप कट क्रीज बहुत ही अच्छे से कर सकोगे। तो ईच एंड एवरी स्टेप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन आई मेकअप। अगर आपका प्लेसमेंट प्रॉपर है तो आपको हर एक पार्ट बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। एंड जस्ट मैं यहाँ पे मर्ज कर रही हूँ शेड एंड कंसीलर के बीच में। तो फिंगर से मैं यहाँ पे मर्ज कर रही हूँ ताकि दोनों आई शेडो के बीच में कहीं पे भी लाइंस नजर नहीं आए। सो दिस इज द रीजन। सेमिनार में प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज रहेगा? यस, जो लुक हम दिखाएंगे उस लुक का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो ऑफ कोर्स वो हम पूरा लुक आपको दिखाने वाले हैं। तो जो बेसिक प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे तो आपको ऑप्शन में भी सारे प्रोडक्ट्स बताए जाएंगे सेमिनार में।
नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ दिस पिंक शेड, ये मैं दो शेड यहाँ पे यूज कर रही हूँ, दिस टू शेड्स आई एम मिक्सिंग टूगेदर, दोनों शेड मिक्स करके मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो हमारी मॉडल ने जो आउटफिट वियर किया है उसके अकॉर्डिंग हम दोनों शेड को मिक्स कर रहे हैं एंड अप्लाई कर रहे हैं। सो ग्रीन शेड लेके मैं दोनों शेड को मर्ज कर रही हूं। तो आपको ब्लेंडिंग ऐसे करना है कि दोनों शेड के बीच में लाइन तो सबसे पहले डिपॉजिट करना है आपको एंड उसके बाद आपको ब्लेंडिंग करना है। सो ये टेक्निक से आप करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे आई मेकअप। सो अगेन ग्रीन आई शेड को लेके मैं ब्लेंड कर रही हूँ दोनों शेड के बीच में। सेमिनार ऑनलाइन है? यस, सेमिनार ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है। उसमें हेयर स्टाइल दिखाएंगे? नहीं, उसमें हेयर स्टाइल नहीं आएगी, वो मेकअप का सेमिनार है। ओके, एंड ब्रश कौन सा है? ब्रश मैं मिशेली का अभी यूज कर रही हूँ।
तो आप देख सकते हो कि मैं कितनी बार ब्लेंड कर रही हूँ आई शेडोज को. सो अगेन मैं डार्क ब्राउन शेड लेके आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा मर्ज करूंगी एंड थोड़ा उसके साथ मैंने ब्लैक भी ऐड किया है. सो ब्लैक एंड ब्राउन आई शेडो लेके जस्ट आउटर कॉर्नर पे मर्ज करेंगे. लव फ्रॉम दुबई सुबीना. थैंक यू सो मच. ऑफलाइन मायास ब्राइडल में है, मतलब कि माया स्कूल ऑफ ब्यूटी में, जिसका नंबर हमने नीचे पिन किया गया है. अगर वेबिनार या क्लास रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इजीली वही नंबर पे मिल जाएगी. सो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो. आई शेडो है बी परफेक्ट की कार्निवल पैलेट है. कार्निवल पैलेट मैं यूज कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मार्शल का, ये आई डस्ट है. तो आप देख सकते हो इसके पिगमेंट, तो उसका जो गोल्ड पिगमेंट है वो मैं यूज कर रही हूँ एंड दिस इज द ब्रांड आप देख सकते हो. यस मैम वीडियो सेव रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट. ऑनलाइन क्लास की फीस वगैरह आपको वही नंबर पे मिलेगी जो नीचे पिन किया गया है. हमने पोस्ट भी रखी. हेलो जेमी मी जी. तो आप कोई भी गोल्ड पिगमेंट अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे. पिंक आई शेडो के साथ मैं उसको मर्ज कर रही हूं. मेकअप प्रोडक्ट कहाँ से लेने चाहिए? सो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं तो आप बाय कर सकते हो एंड अगर आपको फॉरेवर 52 के प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमारे यहाँ भी मिल जाएंगे. अदरवाइज आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो उनकी वेबसाइट से. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस क्यूटी ब्यूटी, ये है ब्लैक जेल लाइनर.
लाइक जय राइनर जो मैं यूज कर रही हूँ क्यूटी ब्यूटी का, तो अगेन आप कोई भी जेल लाइनर यूज कर सकते हो, इनग्लॉट का यूज कर सकते हो, बॉबी ब्राउन का यूज कर सकते हो, शॉपर हिल का यूज कर सकते हो। मैम बेस फाउंडेशन किसका है? सभी फाउंडेशन बेस्ट है अगर आप सही टेक्निक से यूज करो तो। जो भी आप सही अच्छी ब्रांड के फाउंडेशन लेते हो तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलता है, एंड अगर आप सही शेड चूज करते हो तो हमेशा आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने पीछे से लाइनर को ठीक रखा है और उसके ऊपर हम ग्लिटर अप्लाई करने वाले हैं। सो देखिए कैसे हम ग्लिटर को भी अप्लाई करते हैं। प्रो डिफाइनर ब्लैक लेना चाहिए या ब्राउन? ब्राउन लेना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी हमारे हेयर्स ब्लैक होते हैं, तो उसके ऊपर अभी आप ब्लैक करोगे तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, तो हमेशा आपको ब्राउन ही लेना है, डार्क ब्राउन शेड। जेल लाइनर में डूरा लाइन डालना पड़ता है? यस ऑफ कोर्स, आप जेल लाइनर जब भी यूज करते हो तो आपको डूरा लाइन ऐड करना होता है। अगर आपको लगे कि उसकी कंसिस्टेंसी थिक है एंड अगर वो इजीली स्प्रेड नहीं होता है तो आप ऐड कर सकते हो। जेल लाइनर का ब्रश लेना है कहाँ से अच्छा आएगा? आप जो भी ब्रश सेट लोगे उसके अंदर एक ब्रश तो होगा ही जेल लाइनर का, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज आप पीएसी या ब्यूटीलिशियस का भी ले सकते हो। तो अभी जहां पे हमने लाइनर का एप्लीकेशन किया है वहां पे हम ग्लिटर का एप्लीकेशन करेंगे। तो ग्लिटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ रिचा दवे का गोल्ड ग्लिटर, शेड है गोल्ड, एंड उसके साथ मैं ग्लू यूज कर रही हूँ एलआईटी का ग्लू हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर मेकअप फाउंडेशन ग्रे क्यों हो जाता है? क्योंकि आप शेड गलत चूज कर रहे हो, इसके लिए ग्रे हो जाता है, या तो फिर स्किन प्रिपरेशन आप सही से नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए आपका बेसिक पक्का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं ग्लू का एप्लीकेशन कर रही हूँ लाइनर पे।
तो मैं लाइनर पे ग्लिटर का एप्लीकेशन किया है बिकॉज हमने जो भी शेड्स अप्लाई किए हैं वो बहुत अच्छे से दिख पाए, इसलिए मैंने लाइनर पे एप्लीकेशन किया है। तो ऐसे आप डिफरेंट टेक्निक यूज करके कर सकते हो। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मिडल एरिया पे या आईब्रो पे ही ग्लिटर को अप्लाई करना है। एंड हमारा जो ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है उसमें हम इससे भी नई टेक्निक दिखाने वाले हैं एंड बहुत ही इजी टेक्निक से हम बताने वाले हैं कि कैसे ग्लिटर का एप्लीकेशन करें, कैसे क्रीज करें। सो ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे हमारे मेकअप के। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। यस, वीडियो सेव रहेगा। August 31 को है मैम। तो आप देख सकते हो लाइनर का लुक जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। चाहे तो इसको इनर कॉर्नर में भी अप्लाई कर सकते हो, मिडल पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमने थोड़ा सा कलरफुल किया है आई शेडो, उसकी वजह से हमने जस्ट लाइनर पे किया है। तो फिर से हम गोल्डन शेड अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा सा। ब्रो डिफेंडर कौन से कंपनी का लेना चाहिए? ब्रो डिफेंडर आप ले सकते हो एनेस्थेशिया का डार्क ब्राउन, पीएसी का भी ले सकते हो, फॉरएवर 52 का भी ले सकते हो, ये सारे अच्छे हैं। मैम और कौन सी कंपनी का ग्लू लेना चाहिए? ग्लू ग्लू आप एलआईटी का ले सकते हो, पीएसी का ले सकते हो, दोनों अच्छे हैं, फॉरएवर 52 का भी ले सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेस। अभी हमारा आई मेकअप बाकी है तो बाकी का हम बाद में करेंगे आई मेकअप। तो हम स्टार्ट करेंगे बेस से अभी। रिंग लाइट बड़ी साइज में लेना चाहिए ताकि आप जो यूज कर रहे हो वो परफेक्ट आपको दिख पाए। हमारे जो बेसिक टू एडवांस ऑफलाइन क्लास होते हैं उसमें हम ये सारी चीजें आपको सिखाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए हमारे क्लासेस, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम आपको ऐसे लाइव में नहीं बता सकते क्योंकि
क्योंकि कुछ चीजें होती है जो अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे तो ही आपको अच्छे से पता चलेगा। सर्टिफिकेट ई सर्टिफिकेट रहेगा आपका? यस, ई सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो भी आप नीचे जो पिन किया गया ना वो नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपको इजीली मतलब कि प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल पाए, अगर वेरियस ऑप्शन है तो भी उसमें मिल पाए। हाय एडमी, अगर आपको ऑनलाइन जो सेमिनार है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है, वहां पे आपको सारे डिटेल्स दिए जाएंगे, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो ऑलरेडी हमने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज किया था, तो मैं यूज कर रही हूँ एमरोलिस का मॉइस्चराइजर। सो क्लास के रिगार्डिंग कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो। लास्ट में हम आपको मॉडल का पूरा लुक दिखाएंगे, सो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। ऑनलाइन सेमिनार जो है उसमें दो मेकअप है, एक ट्रेडिशनल मेकअप है एंड एक वेस्टर्न मेकअप है, जो विद एक्सप्लेनेशन विद प्रोडक्ट नॉलेज एंड थियरी के साथ रहेगा। एमरोलिस का मॉइस्चराइजर हर स्किन टाइप पर्सन चलता है क्या? यस, सो यहाँ पे आपको स्किन टाइप कौन सी है उसका नॉलेज होना चाहिए, सो तभी आपको ये यूज करना होता है। अगर ड्राई स्किन है तो आपको एमरोलिस का मॉइस्चराइजर यूज करना है, कॉम्बिनेशन है तो भी कर सकते हो। सो इसके लिए भी बहुत लंबी थियरी है। सो प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। फीस रिलेटेड क्लास रिलेटेड सारी जानकारी आपको नीचे दी गए नंबर पे मिल जाएगी, जो कि हमने पिन किया हुआ है वो आप सेव कर सकते हो माया द स्कूल ऑफ ब्यूटी के नाम से। हमारी मॉडल्स को ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कंसीलिंग सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का पैलेट, जिसमें से मैं ये फर्स्ट वाला शेड यूज करूंगी। अगर डार्कनेस ज्यादा है तो आपको ऑरेंज मिक्स करना है, लेकिन आप देख सकते हो कि स्किन फेयर है एंड क्लियर है, तो मैं जस्ट यहाँ पे उनकी स्किन का जो शेड है उससे वन शेड डार्क ले रही हूँ।
शूट का कैसे चल? तो अगर ज्यादा डार्क शेड कम नहीं है तो आपको ऑरेंज शेड नहीं यूज करना है। तो मैं जस्ट वन शेड डार्क यूज कर रही हूँ मेरी स्किन का। कौन सा पैलेट है? फॉरेवर 52 का पैलेट मैं यूज कर रही हूँ। स्किन पे जहाँ पे भी आपको डार्कनेस दिखे वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। हमारी इंडियन स्किन टोन में नॉर्मली अराउंड द माउथ फिर आईज के नीचे थोड़ा सा डार्कनेस होता है एंड फोरहेड के साइड ऑफ द फोरहेड भी यहाँ पे थोड़ा डार्क होता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ब्लेंडर में यूज कर रही हूँ जो वेट करके सोक किया है हमने। नेक्स्ट हम यूज करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ नार्स का पंजाब शेड। सो ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हो। हमेशा हम बताते हैं फॉर फेयर स्किन टोन तो बहुत ही अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। तो चाहे आप आई मेकअप कर रहे हो या फिर फेस का मेकअप करते हो लेकिन दोनों ही में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ब्लेंडिंग। अगर आपका ब्लेंडिंग परफेक्ट होगा तो ही आपका मेकअप परफेक्ट होगा। फॉर हाइलाइटिंग आई एम यूजिंग दिस शॉपरेल कंसीलर नंबर वन शेड में यूज कर रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए। तो हमेशा आपको फाउंडेशन से वन शेड लाइट लेना है। आप जो भी फाउंडेशन अप्लाई करते हो उससे वन शेड लाइट आपको लेना है। फाउंडेशन नाच का है पंजाब शेड। तो आप देख सकते हो कि मैंने कहाँ पे हाइलाइटिंग को अप्लाई किया था एंड कैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ सेम प्लेस पे ही।
सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ फेंटी ब्यूटी का ट्रफल शेड फॉर कॉन्टूरिंग. इनका फोरहेड ऑलरेडी छोटा है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा करेंगे. ये नोज कंट्रोलिंग ब्रश है बेटेलिशियस का 204 एंड ये ब्रश है 202 सेम बेटेलिशियस. ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है जब भी आप फोरहेड का ब्लेंडिंग कर रहे हो. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस लूज पाउडर फ्रॉम शॉपरेल नंबर 2. तो आपको बहुत ही अच्छे से बेकिंग करना है. बेकिंग करने से हमारा मेकअप बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है. तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छे से लूज पाउडर ज्यादा क्वांटिटी में अप्लाई किया है एंड देन उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे. सो जस्ट एक्स्ट्रा पाउडर हमें रिमूव कर देना है.
पाउडर आई एम यूजिंग दिस मैक स्टूडियो फिक्स NC42 शेड. NC42 शेड मैं यूज कर रही हूँ पाउडर कंट्रोल के लिए. सो इनकी स्किन फेयर है तो NC42 जो स्टूडियो फिक्स का है मैक का वो बहुत ही अच्छे से पाउडर कंट्रोल करेगा. तो आप देख सकते हो वीडियो जो है वो 4 महीने तक सेव रहेगा और वो भी मतलब कि जो आईडी होगी उस पे ही रहेगा. नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ हाइलाइटर फ्रॉम MMS जिसका नंबर है 01. वो सारी डिटेल मतलब कि वीडियोस मतलब कि ऑनलाइन क्लास किस पे रहेगा रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें आपको जो नीचे पिन किया गया नंबर है 6352672787 उस पे मिल जाएगा. व्हाट्सएप कर दो या कॉल कर दो दोनों में आपको आंसर मिल जाएगा उस पे. आर्टिस्ट जो अभी है वही है पूजा ठाकर. उनका आईडी भी बता देते हैं Pooja_Thakur_makeupstudio. ये उनका आईडी है आप वहां पे जाके सारी चीजें डिटेल में देख सकते हो और हमारे पेज पे भी उनका लाइव सेव है सो IGTV में देख सकते हो. ब्लशर के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का ब्लशर ब्लशर पैलेट जिसमें से ये वाला शेड मैं यूज कर रही हूँ. एंड ब्रश मैं मिशेली पालमा का यूज कर रही हूँ. तो अभी हम आई मेकअप पे फोकस करेंगे. तो आप देख सकते हो बहुत ही फ्लॉलेस बेस बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेस बेस उनका बना है. तो जो 31st को हमारा सेमिनार होने वाला है उसमें हम आपको ये सारी चीजें बहुत ही डीपली सिखाने वाले हैं. जो दोनों लुक हम आपको बताएंगे वो हम बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं आपको. तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है आप नीचे दिए गए नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. सो काजल मैं यूज कर रही हूँ रिकॉर्ड की.
कंसीलर जो है वो सोफ्रेल का यूज किया गया है। सेम काजल मैं अंडर आई में भी यूज कर रही हूँ। पीएसी का ब्लेंडिंग ब्रश मैंने लिया है जिससे हम अंडर आई को ब्लेंड करेंगे अच्छे से। एंड मैंने लिया है मैक का पैलेट जिसमें से मैं ये ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ। तो आप कोई भी पैलेट से ब्लैक आई शेडो ले सकते हो ब्लेंड करने के लिए। काजल रिकॉर्ड का है। तो जितने शेड्स हमने ऊपर लिए हैं उतने ही शेड हम नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने ऊपर कलरफुल किया है तो नीचे जस्ट मैं ब्लैक एंड ब्राउन का ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो ब्राउन शेड में ले रही हूँ जैकलिन हिल पैलेट से। एक्सेलेंट वर्क, थैंक यू सो मच। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको आज का लुक ये भी जरा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। फॉरएवर 52 का ये हाइलाइटर पैलेट है, उसमें से मैं ये वाला शेड लेके आईब्रो बोन पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। हार्ट्स, यू आर ऑलवेज गुड। थैंक यू सो मच। ऑसम एंड क्यूट। Many more compliments. Same eyeshadow मैं inner corner पे भी apply कर रही हूँ। So इसे tear duct area कहते हैं। लैशेस में अप्लाई कर रही हूँ हुडा ब्यूटी के मिंक लैशेस जिसका शेड है क्लाउडिया। द शेड इज क्लाउडिया। ऑसम मेकअप, थैंक यू सो मच। मिंक लैशेस है हुडा की। सबसे पहले हमें
यहाँ पे रख के चेक करना होता है एंड अगर वो ज्यादा बड़ी होती है तो हमें पीछे से उसको कट करना होता है. सो ऑलवेज आपको लैशेस को पीछे से कट करना है. तो पीछे से मैंने जस्ट टू हेयर्स कट किए हैं एंड फॉर लैशेस ग्लू मैं अप्लाई कर रही हूँ PAC का लैश फिक्सर. तो आपको उसको 10 सेकेंड्स तक ड्राई होने देना है. अच्छे से आपको पुश करके अप्लाई करना है. तो सेम दूसरी साइड से भी मैंने दो हेयर्स कट किए हैं. सो जो लोग भी बाद में ज्वाइन हुए हैं, इस वीडियो को हम सेव करने वाले हैं तो आप बाद में भी देख सकते हो इस वीडियो को. सो आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन सेमिनार की, क्योंकि हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रखे हैं. तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो 31st को जो हमारा सेमिनार होने वाला है. तो जस्ट 3-4 days लेफ्ट है. तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है आप नीचे दिए गए नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. एंड आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग तो आप उसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो. सो आप आपकी ब्राइड को ऐसा डिफरेंट लुक दे सकते हो. Next time using this mascara from My Makeup Story.
ब्राइडल के लिए बेस्ट फाउंडेशन आप यूज कर सकते हो नार्स हुडा एंटी ब्यूटी एंड इकोनॉमी रेंज में चाहिए तो आप फॉरएवर 52 का भी यूज कर सकते हो। मैम का ऑनलाइन जो है वो सेमिनार मतलब कि वेबिनार है वो 31st of August को है एंड फर्दर क्लास इंक्वायरी अगर आपको करनी है और डेट वगैरह जानना है तो आप नीचे जो पिन किया हुआ नंबर है उस पर आप मैसेज व्हाट्सएप कॉल करके जान सकते हो। सारी डिटेल सारे ब्रोशर्स वो उन पर आपको मिल जाएगा। लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस TAC पैलेट तो आप देख सकते हो इसके अंदर सारे लिपस्टिक्स है न्यूड है डार्क है तो ऐसा पैलेट भी आप यूज कर सकते हो। सेम फॉरएवर 52 का भी आता है देन मैक की लिपस्टिक भी आती है तो आप ऐसा मैक का भी पैलेट यूज कर सकते हो। तो मैं दो शेड यूज कर रही हूँ दिस एंड दिस दोनों शेड यूज करके हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। अगर गलती से भी ऐसे कभी भी लिपस्टिक का एप्लीकेशन हो जाता है तो आपको क्या करना रहता है ये है नार्स का जिंजर शेड तो आपको ऐसा शेड लेके ऐसे आप करेक्ट कर सकते हो। नास का जो जिंजर शेड है वो बिल्कुल हमारे स्किन टोन के मैच है तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से वो स्किन के साथ मैच हो गया है तो ऐसे आपको करना है। ड्राई स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन लगाना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ड्राई स्किन की थियरी समझनी है उसके बाद क्योंकि फाउंडेशन यूज करने की भी एक टेक्निक होती है अगर ड्राई स्किन है तो उसके लिए सबसे पहले स्किन प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप वो कैसे करते हो उसके ऊपर आपको फाउंडेशन यूज करना होता है। लिप पैलेट जो यूज किया है वो PAC का है। PAC का लिप पैलेट ये दो शेड मिक्स करके मैं यूज कर रही हूँ।
इंग्लॉट का हाइलाइटर मैं यूज कर रही हूँ. दिस इज स्पार्कलिंग डस्ट. सो ऑलरेडी हमने पहले जो हाइलाइटर यूज किया है उसके ऊपर मैं दूसरा हाइलाइटर यूज कर रही हूँ. एंड ब्रश के ऊपर मैं सेटिंग स्प्रे को अर्बन डिके का मैंने यूज किया है चार्ज वाटर. तो जस्ट आपको उसको ब्रश के ऊपर जस्ट थोड़ा सा डालना है एंड देन आपको डिप करना है लूज ग्लिटर के अंदर. सो अगर आपको एक्स्ट्रा शाइन चाहिए तो आप ऐसे इस टेक्निक से कर सकते हो. हाइलाइटर इंग्लोट का है स्पार्कलिंग डस्ट. तो आप देख सकते हो बहुत ही नेचुरल लुक लग रहा है. एंड लिटिल बिट हम यूज करेंगे ब्लशर. सो ऑलमोस्ट हमारा लुक डन है यहाँ पे. एंड आई होप सबको आज का लुक बहुत ही अच्छा लगा हो. यस, ये वीडियो सेव रहेगा सो आप कभी भी इसे देख सकोगे. सो गाइस यहाँ पे हमारा लुक डन है. एंड लास्टली हम अप्लाई कर रहे हैं फिक्सचर फ्रॉम MMS. तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड हमें टैग कर सकते हो दोनों आईडीज पे. दैट इज पूजा ठाकर मेकअप स्टूडियो, पूजा अंडरस्कोर ठाकर अंडरस्कोर मेकअप स्टूडियो एंड महेश गजरा 2010. तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं पूरा लुक. सो कहीं मत जाइएगा एंड आप देख सकते हो शी इज लुकिंग सो प्रीटी सो ब्यूटीफुल. सो प्लीज टैग कीजिएगा हमें अगर आपको हमारा ये लुक अच्छा लगा हो तो. एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. एंड अभी हम आपको पूरा लुक दिखा रहे हैं सुपर से ऊपर. मैम थैंक यू सो मच. प्लीज मैम ऐड मी, कहाँ पे ऐड होना है आपको? अगर ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन सेमिनार में अगर आपको ऐड होना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. यस, एक बार फिर से हम आपको उनका पूरा दिखाएंगे. नाउ मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ अच्छे से. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा लुक है उनका. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड टैग करना मत भूलिएगा. यस, दोनों आईडीज को आपको टैग करना है, पूजा ठाकर मेकअप स्टूडियो एंड महेश गजरा 2010. दोनों नोट कर लीजिए, दोनों को आप टैग करिएगा.
यस, तो अभी मैं आपको पूरा लुक दिखा रही हूँ हमारी मॉडल का। सो हियर इज द फुल लुक। थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर द लव। सो जिनको भी रजिस्टर